6174, ये जो नंबर है ये हमारे लिए कोई साधारण नंबर होगा, पर इंडियन मैथमेटिशियन डी आर कपरेकर इसको इसका खासियत दिखाए हैं कि इस नंबर का इम्पोर्टेंस क्या है। हम क्या करते हैं, कोई भी 4-डिजिट नंबर लेंगे जिसका दो अंक, कम से कम दो अंक अलग हो। जैसे कि लीजिए, हम लिए 5328। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, अभी हम इसको लिखेंगे हाईएस्ट डिजिट से लोएस्ट डिजिट, बड़ा अंक पहले छोटा अंक बाद में, ऐसे करके। तो पहले क्या लिखें, 8, उसके बाद 5, इसके बाद 3, इसके बाद 2, ठीक है ना। अभी इसको उल्टा लिखेंगे, मतलब पहले छोटा अंक उसके बाद बड़ा अंक, लोएस्ट से हाईएस्ट जाएंगे, तो 2, 3, 5, 8। अब इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस बड़ा अंक से छोटा अंक को हटा देंगे, तो फिर ये आएगा 4, ये आ गया 7, ये आ गया 1, ये आ गया 6। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं कपड़े कार्स कांस्टेंट। ये सारे नंबर के लिए सच है 4-डिजिट का, जो कि जिसका दो अंक अलग है। ये एक ही स्टेप में ख़त्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम दूसरा कोई नंबर लेते हैं, सपोज इसको मिटा के हम कोई और नंबर लेते हैं, जैसे कि सपोज लेते हैं 9218, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 9821, फिर 1289, फिर क्या हुआ, हमको ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 8, ये तो सजा हुआ है। फिर हमको फिर रिपीट प्रोसेस करना है, पहले ये तो सजा हुआ है, देखिए ये हाईएस्ट, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, इसको उल्टा लिखना है। तो सबसे लोएस्ट 3, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 8। तो इसको हम अगर फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर देखिए 4, इसमें आ गया 7, इसमें आ गया 1, इसमें आ गया 6। तो आप जैसे भी 4-डिजिट नंबर लीजिए, उसके साथ अगर उसका हाईएस्ट से लोएस्ट लेके आप फिर लोएस्ट से हाईएस्ट लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमेशा यही नंबर आएगा जो कि है कपरेकर्स कांस्टेंट, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ बोलना है, अगर आप ऐसे नंबर लिए जिसका सेम डिजिट हो, मतलब कोई 2 डिजिट अलग ना हो कि सब सेम, जैसे कि ऐसा डिजिट हो, तो इसको आप सजा नहीं पाएंगे, हमेशा आंसर 0 आएंगे। ये आप 5, 5, 5, 5 भी ले लें, इसको आपका अगर माइनस करते हैं तो फिर हमेशा हमारा 0 आएगा।